भारतीय जनता पार्टी के वैशाली नगर मंडल एवं उसकी सहयोगी इकाइयों सहित रामायण प्रचार समिति द्वारा शहर की खस्ता हाल सड़कों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कैंप क्षेत्र के जलेबी चौक से लेकर सुभाष चौक तक के सड़क की इस वक्त काफी दुर्दशा हो चुकी है। इन सड़कों के किनारे व्यापार करने वाले व्यापारी कई बार निगम प्रशासन से इसकी गुहार लगा चुके हैं कि इस सड़क का संधारण कार्य जल्द से जल्द किया जाए, परंतु अब तक कोई ठोस हल न निकलता देख निगम भिलाई के विपक्षी दल ने जलेबी चौक से सुभाष चौक तक विरोध प्रदर्शन करते हुए एक रैली का आयोजन किया, जिसके माध्यम से नगर सरकार को चेतावनी दी कि जल्द इन सड़कों का संधारण नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। इस विरोध रैली में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं रामायण प्रचार समिति के अध्यक्ष राम उपकार तिवारी एवं स्थानीय वार्ड पार्षद श्रीमती सत्या देवी जायसवाल विशेष रूप से शामिल हुई। इस रैली के माध्यम से भाजपाइयों ने नगर की सरकार सहित प्रदेश की सरकार को जमकर कोसा एवं शहर के विकास में भेदभाव का भाव रखने का आरोप भी लगाया। जो सड़क खराब है इसको लेके यहाँ के स्थानीय नागरिकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का ये हम लोग का कार्यक्रम है, रामायण प्रचार समिति सम्मिलित है इसमें, और जब तक सड़क नहीं बन जाएगी हम लोग इस विधानसभा क्षेत्र के जहाँ जहाँ खराब सड़कें हैं वहाँ वहाँ इस तरह का कार्यक्रम करेंगे। और ये जो नींद में सोए हुए अपने निगम के लोग हैं, महापौर हैं, उनको आईना दिखाएंगे, उनको बताएंगे कि केवल पार्क और गार्डन से नहीं होता, ये जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो सुविधाएँ हैं जनता की, पहले उसको पूरा करो, फिर उसके बाद में बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान। यहाँ पे हमको अच्छी रोड चाहिए और इस रोड की हालत आप सब देख ही रहे हैं। मेरे ख्याल से इस एरिया में सबसे खराब रोड यही है। और अभी 3 महीना पहले भूपेश बघेल जी का यहाँ पे पदयात्रा था और उनके जाने के कारण यहाँ से ले अपना जो रोड का डेस्ट डलवा दिया गया, वो डेस्ट से यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं और हमको डस्ट मुक्त रोड चाहिए, क्योंकि इस एरिया में जितने भी शॉप है जितने लोगों की, वो सुबह 9 बजे से लेकर रात की 9 बजे तक शॉप खुली रहती है और कम से कम एक दिन में एक व्यक्ति को 500 ग्राम धूल खाकना पड़ता है। अगर इस तरह रोज डेली 500 ग्राम धूल खाएंगे तो उनके ऊपर बहुत गंभीर रूप से बीमारी आ सकती है। अगर बीमार हो जाएंगे तो उनके परिवार की देख रेख कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो ये सब ना हो इसलिए हमें अच्छी रोड यहाँ के लिए चाहिए। और मेन चीज़ तो मेन रोड है यहाँ पे, जैसे कि रेलवे फाटक हो गया और अपना रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई और मेन लाइन से जुड़ी हुई रोड है, तो इतना अच्छा एरिया होने के बावजूद बोले तो भिलाई की भड़कन है ये एरिया, और ऐसी एरिया को इतने गंदे तरीके से रखा जाए रोड पे चलने लायक स्थिति नहीं है, तो ये अच्छा होना चाहिए जिससे कि किसी को परेशानी ना हो। और हमें 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आवारा मवेशियों का बहुत जमावड़ा रहता है, सुअर का आतंक, गाय सांड, मतलब आप अगर चाहें 9 बजे इस रोड को पार करना तो गाड़ी से आपको डर नहीं है पर सुअर और गायों से बहुत डर है। और टाटा लाइन में है एक छोटा सा गार्डन है, हम लोग चाहते हैं कि शाम को खाना खाने के बाद थोड़ा जाएं टहल लें, पर वो सुअर गाय के आतंक की वजह से नहीं जा पाते हैं, डर लगता है उन लोगों से, कभी भी मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक तो बुजुर्ग को उठा के पटक दिया उन लोगों ने, उनकी रीढ़ की हड्डी वगैरह टूट चुकी है, तो उस टाइप की प्रॉब्लम है, वो चीज़ें हटनी चाहिए। आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसके बाद भी अगर रोड नहीं बनता है तो क्या क्या करेंगे फिर आगे? रोड तो बनवा के रहेंगे, इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे, रोड बनानी चाहिए, मतलब बननी ही चाहिए। बीते दिनों प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल इन्हीं सड़कों से होते हुए अपनी यात्रा को सफल बनाया था और इसी जलेबी चौक पर जलेबी भी खाई थी, जिसके लिए इन सड़कों के गड्ढों को आनन फानन में मिट्टी और धूल से भर दिया गया था, परंतु इसका कोई ठोस निराकरण नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस सड़क पर उठते हुए धूल के गुब्बार से यहाँ के व्यापारी तो परेशान है ही, साथ ही इस तरफ आने वाले ग्राहक भी हलाकान होते देखे जा सकते हैं, जिसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस विरोध रैली का आयोजन किया और चेतावनी दी कि जल्द से जल्द इस सड़क का संधारण न हुआ तो आगे उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।